1, 2, 3, 4. रे जनता ऊंच नीच के पापड़े में लड़ते पड़ते गोल, फिर भी बाज ना आए बंदर बाट के झोल। संत मंत्री पुलिस कलेक्टर सभी खड़ा माडोल, ज्ञान में खोट ना आए बार देख मौज। रे पीटी उसा पीछे छोड़े मलया मोदी मेल, चौकीदार जो दिन में सो गया बन गए देश की रेल। अरे चटनी एक ऐसी भैया स्वाद सभी सभी रोल, मजे में फिर भी ले चटकारे भारत एक मौज। हेलो नमस्कार और स्वागत है आपका फिर से एक बार उस शो में जिसका नाम है भारत एक मौज। हमने पहले भी ये शो किया है, बीच में हम कुछ दिनों के लिए गायब हो गए थे। ऐसा नहीं है कि देश में मौज गायब हो गई थी, मौज फिर भी थी, हम जरा और चीज़ों में मसरूफ हो गए थे। लेकिन फिर से हम इस शो की एक नई सीरीज़ लेके आए हैं, तो याद रखिए भारत एक मौज दोबारा से वापस है। मैं हूँ संजय राजौरा, ये कॉफ़ी का मग है जो कि खाली है, ये सिर्फ हमने स्टाइल के लिए यहाँ पर रखा हुआ है ताकि थोड़ी सी एक फील आए आप लोगों को, कोई ढंग का शो देख रहे हैं। फॉर्चुनेटली हम ऐसे देश में रहते हैं, ऐसे कंट्री में रहते हैं जहाँ पे मौजों की कोई कमी नहीं है। आप अपने घर से चार कदम दूर निकल के जाओ तो आपको कम से कम दर्जन भर ऐसी कहानियाँ मिल जाएंगी जो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करना चाहेंगे, हंसी मजाक में सुनाना चाहेंगे। अब वो कहानी पॉलिटिकल भी हो सकती हैं, सोशल भी हो सकती हैं और बेकार की भी हो सकती है। तो पिछले दिनों ऐसे ही एक और स्टोरी बहुत घूम रही थी दिल्ली में, एक नए किस्म की रेव पार्टी, नया तो नहीं बोलूँगा, एक रेव पार्टी जो सालाना होती है जुलाई अगस्त के महीने में, वो फिर से हुई। जी हाँ, आप सही समझ गए, आप बिल्कुल सही समझ गए, मैं कांवड़ियों की बात कर रहा हूँ। और आपने देखा होगा टेलीविज़न में, न्यूज़ में बहुत चर्चा हो रही थी, लोग बड़े परेशान हो रहे थे कि कांवड़ निकल के गाड़ियां तोड़ रहे हैं और लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो रही है, तो गवर्नमेंट कुछ करती क्यों नहीं है। तो हमने सोचा ये टीवी न्यूज़ तो खैर वैसे भी भरोसे की चीज़ है नहीं, इस पर ज़्यादा बिलीव नहीं करना चाहिए, और मैं तो देखता ही नहीं हूँ टीवी न्यूज़, लेकिन हमने सोचा कि हम खुद बाहर जाके लोगों से पूछते हैं कि उनका इन सब चीज़ों के बारे में क्या कहना है। तो ज़रा सुनते हैं लोग क्या कह रहे हैं। भाइयों बहनों, भक्त कर हैं जो लोग, वो लोग कांवड़ लेने जानते हैं, वो कहते हैं कि हम जो भी मन्नत मांगते हैं वो मन्नत पूरी होती है। शिव भी मस्ती में भंग पी कर पड़ा रहता था तो लाइक दैट दे आर सो मस्त, तो होना चाहिए, अच्छा लगता है। कॉप्स आर देयर, पुलिस वाले वहाँ थे, बट ये जस्ट लाइक अस, वो जो कर रहे हैं करने दीजिए। हर बेटा अपने पेरेंट्स के लिए, अपने बड़ों के लिए, दादा के लिए, दादी के लिए, उनकी जो चले गए हैं ऊपर, उनके लिए मनोकामना करने शुक्ति के लिए जाता है कांवड़ लेने के लिए। मेरे को ये बात समझ में नहीं आती है कि जो पेरेंट्स हुए, ग्रैंड पेरेंट्स हुए, जो चले गए हैं, उन्हें अब क्या क्या मनोकामना चाहिए यार। तुम्हारा टाइम हो गया, तुम जा चुके हो, चैन से बैठो, स्वर्ग नरक जहाँ पे भी हो। ये बेचारे बच्चों को क्यों परेशान करने नंगे पैर तुम इतनी दूर भेजते हो 180 किलोमीटर, ये क्या सभ्यता है, मेरे को समझ में नहीं आता। खैर हो सकता है मैं असभ्य हूँ, किसी ने ज़रा सा बोल दिया तो वो लड़ने झगड़ने मारपीट पे उतर आते हैं, विच इज़ बैड, विच इज़ रियली बैड। मगर ये तो सारे हिंदुस्तान की सच्चाई नहीं है, मतलब कांवड़ तो 10 दिन के लिए होता है, तो पूरे इसके अलावा भी तो हम रोज़ सुनने को मिलता रहता है कि रोड रेज होगी, वहाँ पे किसी की गाड़ी लग गई बगल से, इस बात पे गोलियाँ तक चल जाती हैं। उसको रोकने के लिए तो हम लोग तो कुछ भी नहीं कर सकते ना, गवर्नमेंट ही कर सकते, अगर कुछ कर सकते तो गवर्नमेंट ही कुछ कर सकती है। तो सारे लोग यही कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, प्रशासन को कुछ करना चाहिए, किसके एवज में वो क्या कर रहे हैं ये भी देख लें। उन लोग
लोगों के लिए। आप भी कुछ नहीं कर सकते हो, मैं भी कुछ नहीं कर सकती हूँ। इस देश का प्रशासन जो है, या दिल्ली पुलिस जो है, या कोई भी पुलिस हो, यूपी हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, कुछ कोई कुछ नहीं कर सकता। उनको तो कहेंगे भैया निकलो आगे। आप पुलिस वाले भी तो शिव भक्त हैं। अब ये कोई बात थोड़ी कि आपने पुलिस की नौकरी कर ली और मजबूरी है आप कांवड़ लेने नहीं जा सकते, तो आप शिव की भक्ति भी नहीं कर सकते। तो कॉप्स आर देयर बट दे आर ऑल्सो भक्त। शिव भक्त मन का मतलब कुछ और मन निकाल लेना आप लोग। अगर आप लोग उनको नहीं छोड़ोगे तो आपको नहीं कहेंगे कुछ भी। बस उनको वो चाहते हैं अपने रास्ते, तो जाने दो, वो अपना काम करें। आप लोग अपना काम करो ना, आप दूसरे काम में क्यों दखलंदाजी करते हो। वाह, ये क्या बात बोली इन्होंने। मतलब कांवड़ ना हो गए, वो नेशनल ज्योग्राफिक के सांप हो गए, कि पीछे से वॉइस ओवर बोल रहा है कि जितना आप सांप से डरते हैं उतना ही सांप आपसे डरता है। अगर आप उसको नहीं छेड़ोगे तो वो चुपचाप अपने रास्ते रेंग के निकल जाएगा। वाह वाह आंटी जी, क्या बात की है। मैं वही कह रही हूँ ना, आप उनकी बैक हिस्ट्री चेक करोगे, उनका सब कुछ चेक करोगे, तो उसमें 50% तो क्रिमिनल ही निकल जाएंगे। तो आप भीड़ कम हो जाएगी ना, जो भगवान के भक्त होंगे वही जाएंगे ना। तो ये चेक कौन करेगा? ये मैम बोल रही हैं कि ये जो लाखों की तादाद में कांवड़ जा रहे हैं, इनका बैकग्राउंड चेक करो, इनकी हिस्ट्री चेक करो। कौन चेक करेगा? क्या मतलब पुलिस करेगी, या किसको बुला के लेके आएंगे? कहीं से कोई खा पंचायत आएगी जो इनका चेकअप करेगी पीछे से, कि ये कहाँ कहाँ से इनके पूर्वज निकल निकल के आ रहे हैं। लाखों लोगों का चेकअप, मतलब आप अपने घर में कोई हाउस हेल्प रखो तो उसका बैकग्राउंड चेक, आप किराएदार रखो तो उसका बैकग्राउंड चेक। अब पुलिस बेचारी इन कांवड़ का भी बैकग्राउंड चेक करेगी तो फिर वो ड्यूटी कब करेंगे? तो ज़्यादातर लोग इस व्यू के हैं कि ये यात्राएं होनी चाहिए, थोड़ी बहुत परेशानी होती है तो होने दो, और जो हमारा जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी हमारा पुलिसिंग है, उसको इस दौरान बाकी सारी चीज़ें छोड़ के इस पे ध्यान देना चाहिए कि ये जो यात्रा है ये ठीक से हो जाए, इसमें क्रिमिनल्स ना जाएँ, और वही लोग जाएँ जिनके एक बार प्री स्क्रीनिंग हो चुकी हो। बट पीपल जनरली डू नॉट हैव अ प्रॉब्लम, एटलीस्ट द पीपल दैट वी टॉक टू, उनको प्रॉब्लम नहीं है इस यात्रा से। अभी एक हम क्लिप देख रहे थे, उसमें एक आंटी बोल रही थी कि जो किसी के माँ बाप और दादा दादी जो मर गए हैं उनकी मनोकामना पूरी करने के लिए ये कांवड़ लेने जाते हैं। मुझे हिंदुस्तान के बुड्ढों की बात समझ में नहीं आती। मर गए वो तो चैन से बैठे रहो। हिंदुस्तान का बुड्ढा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। आप देखो कि मोहल्लों में पार्क्स बने होते हैं, उन पार्क में लिखा होता है कि यहाँ खेलना मना है। क्यों? क्योंकि बुड्ढे बैठे हैं वहाँ पर, और जानबूझ के साले ऐसी जगह पर जाके बैठते हैं जहाँ पे बॉल आएगी आएगी। एक तो रेस्पेक्ट का कल्चर है ना, खामा खा मान के बूढ़ा हो गया हूँ तो मेरी तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। खा मैं कुछ भी बोल सकता हूँ किसी को, बिकॉज आई एम ओल्ड, मेरी तो रेस्पेक्ट होनी चाहिए। चाहे मैं किसी को कुछ भी अंडरस्टैंड बकवास कर दूँ, चाहे मैं GST लगा दूँ, चाहे डिमोनेटाइजेशन, बिकॉज आई एम ओल्ड। बहुत सारे लोग अक्सर यही बोल रहे थे, ये जितने भी वीडियोज़ हमने देखे उसमें लोग ये बोल रहे थे कि पुलिस को, प्रशासन को कुछ करना चाहिए। कांवड़ तो जाएंगे ही जाएंगे, लेकिन पुलिस को और प्रशासन को इसके बारे में कुछ करना चाहिए। फिर आपने वो वीडियो देखा होगा जिसमें ADGP यूपी पुलिस हेलीकॉप्टर से रोज पेट्रोल गिरा रहे हैं कांवड़ के ऊपर। मेरे को तो लॉजिक समझ में नहीं आया। इतने ऊपर से आप गुलाब के पत्ते गिरा रहे हो, वो तो उसके ऊपर गिरेगा ही नहीं, वो हवा में उड़ के पता नहीं कहाँ पहुँचेगा। पता चला कि किसी मस्जिद पर जाके गिर गए तो फिर आपको तो पाप लग जाएगा ना खामखा। या फिर आपने इतना बढ़िया प्रोजेक्टाइल कैलकुलेट किया हुआ है, पूरा एयर की वेलोसिटी कितनी है और एटमॉस्फेयर में फ्रिक्शन कितना है, किस एंगल से मेरे को उसको छोड़ना है, वो जाके कांवड़ के ऊपर ही गिरे। बट यूपी पुलिस इज नॉट दैट एक्यूरेट विद निशानेबाजी। इतनी दूर से तो वो निशाना लगाते ही नहीं है, वो सामने बिठा के निशाना लगाते हैं, उसकी प्रैक्टिस है उनको। बट फिर भी देखने में अच्छा लगा कि यूपी पुलिस जो है एक बार को फूल बरसा रही है लोगों के ऊपर। वरना यूपी में, मैं यूपी का रहने वाला, मैं जानता हूँ बदमाशों से लोग कम डरते हैं, पुलिस से ज़्यादा डरते हैं। वो एक बार को गुंडे को इनवाइट कर लेंगे, आप लूट जाओ मेरे घर, वो हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे क्योंकि वो दोबारा लूट जाएंगे। तो वो अच्छा लगा कि वो गुलाब के पत्ते फेंक रहे थे तो दिल को बड़ी तसल्ली सी मची। अब कांवड़ बेचारे, आप देखो इनको, देखो ये वो लोग हैं कि जो पूरे 11 महीने और 20 दिन इनके पास कुछ नहीं है, स्टेट इनके लिए है ही नहीं, ना इनके पास हेल्थ का एक्सेस है, ना इनके पास एजुकेशन का एक्सेस है, ना इनके पास कोई सिक्योरिटी है। दे आर स्टेटलेस बेसिकली फॉर 11 months and 20 days। ये 10 दिन इनको मिलते हैं जहाँ पे स्टेट इनके सामने हाथ जोड़ के खड़ा होता है कि आइए आइए आप निकलिए यहाँ से,
तो उस टाइम ना वो पूरी दादागिरी पे आ जाते हैं, फिर वो खुंदक निकालते हैं। आपने वो वीडियो देखा जब वो गाड़ी फोड़ी उन्होंने, वो गुस्से वाली, गुस्से में आदमी एक मार के चला जाए, शीशा फोड़ के चला जाए, उसने लात मार मार के दरवाजे भी उल्टे करके तोड़े। तो ये सारा हुड़दंग जो आपने, ये जो क्लिप्स हैं, जो कांवड़ियों का हुड़दंग है जिसमें वो गाड़ियां तोड़ रहे हैं, लोगों से झगड़ा कर रहे हैं, उस गाड़ी में हो सकता है आप भी बैठे होते, और जहां तक मेरे को दिखता है ये मेजॉरिटी हिंदू पॉपुलेशन का ही हिस्सा है, और ये हुड़दंग सड़कों पे हो रहा है कि आप अपनी फैमिली के साथ अगर निकल रहे हैं इस दौरान, तो उस गाड़ी में आप और आपके बच्चे भी हो सकते हैं, वो गाड़ी तोड़ी नहीं जाएगी, ध्वस्त कर दी जाएगी, और गलती से अगर आप हत्थे पड़ गए तो आप भी ध्वस्त कर दिए जाओगे। और इस सब के बावजूद भी हमारे मुल्क की महान अदाकारा कंगना रनावत ये कहती हैं कि माइनॉरिटी विल वाइप ऑफ द मेजॉरिटी इन दिस कंट्री। वाह कंगना जी वाह, मुरीद हो गए आपके, वाह। हेलो भाई साहब, आपकी कार लगी हुई है नीचे, ब्लॉक करिए मेरी कार को, प्लीज हटाएंगे उसे? नहीं हटा देते हैं, लेकिन मुझे भी तो प्रूव करना चाहिए ना कि मैं भी हिंदुस्तानी हूँ, कहीं पे भी गाड़ी लगा देता हूँ, हटा के आता हूँ। तो ये था इस बार का भारत एक मौज। हमने अपनी तरफ से कोशिश करी कि जितनी मौजें हमें इस दौरान मिल पाईं वो आप तक लेके आएं, और अगले एपिसोड तक फिर से वेट कीजिए, हम कुछ और मौज इकट्ठी करते हैं और आपके तक लेके आते हैं। और तब तक आप सबके घरों के आसपास नाले होंगे, उन नाले में थोड़ा टाइम इन्वेस्ट कीजिए, और चाय का अच्छा सा बर्तन लेके आइए, नाले की गैस से चाय बनाइए, और कुछ देश का भला कीजिए, ज्ञान विज्ञान में देश का नाम रोशन कीजिए। मिलते हैं जल्दी अगले एपिसोड में भारत एक मौज। हाँ जी, या ओके, सो यू रेड व्हाट आई सेंट यू, राइट? लेकिन यार ये मतलब मुझे एक बार बताओ, ये इतने झंडे लेके तिरंगा लेके घूम रहे हैं यार। हमने देखा था तिरंगा कारगिल पे लहराया गया है, देश के लिए झंडा है, और ये मतलब अब शिव भक्त झंडा लेके घूम रहे हैं, हद्दी होती है यार। मतलब और मुझे अच्छे से याद है सचिन तेंदुलकर, जो इंडिया का एक बहुत बड़ा हीरो है, उसने अपने बर्थडे पे एक बार वेस्ट इंडीज में अपना बर्थडे केक ना तिरंगा बनाया था और उसको काटा था, तो उसके पीछे एफआईआर हो गया था, पता नहीं कि किसी ने तो ऑब्जेक्शन उठा लिया था कि यार ये तिरंगे को कैसे ह्यूमिलेट कर रहे हैं ऐसे, तो यार अब नहीं हो रहा क्या? संजय कैन यू से दिस ऑन कैमरा, लाइक वी विल रिकॉर्ड इट ऑन वीडियो, नो कैन वी डू दैट? मरवाओगे क्या मेरे को यार? अभी तो मैं सुना नहीं, उमर खालिद को पे अटैक हो गया, मेरे को भी करवाना है क्या आपने? अरे चढ़ी गई खजूर पे और मौसम हो गया है सोस, महाभारत के काल में हो गई इंटरनेट की खोज, पहलू का सिमर अकबर मांगे जान के भिक्षा रोज, अरे काट के उल्लू बन गए राजा भारत एक मौज। अरे मन की बात करे अरे संडे बिना किसी के रोक, आम नागरिक कुछ भी बोले लो आ गई जन कीड़ों की फौज। अब देश में पढ़ना लिखना हो गया टैक्स पेयर पे बोझ, पर कावड़ियों पे फूल की चादर भारत एक मौज, अरे 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 भारत एक मौज।